क्या कंट्रोलर का गॉड को क्रिएट करने का सपना पूरा होगा? क्या जो अपनी पत्नी से किया वादा पूरा कर पाएगा? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक 2018 अमेरिकन साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्म का रीकैप देने जा रही हूँ जिसका टाइटल हाई पावर है। यह फिल्म पिता और बेटियों के बीच के रिश्ते के बारे में एक डीप मीनिंग डिलीवर करती है। जानने के लिए इसे अंत तक देखना न भूलें। फिल्म की शुरुआत एक कोट से होती है जिसमें कहा गया है कि वो दुनिया को बचाने के लिए अपना खुद का भगवान बनाएगा। द कंट्रोलर नामक एक मैथ साइंटिस्ट एक ऐसी शक्ति के बारे में रिसर्च कर रहा है जो एक आदमी को सुपरह्यूमन में बदल सकती है। जब एक रहस्यमय व्यक्ति अचानक एनक्रिप्टेड मैसेजेस के थ्रू उससे कॉन्टैक्ट करता है, उसे बताता है कि वो प्रोफेसर के काम के बारे में जानता है और उसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाल दिया जा रहा है। वो आदमी तब रिसर्च को रियलिटी में लाने का प्लान पेश करता है जिसका यूज दुनिया को आने वाले अपोकलिप्स से बचाने के लिए किया जाएगा। क्योंकि इन्वेंशन को एक टॉपिक की आवश्यकता होती है, कंट्रोलर तुरंत डीएनए एनालिसिस के माध्यम से सर्च शुरू करता है जब तक कि वो एक आदमी जोसेफ स्टेडमन को नहीं पाता। सीन एस्ट्रोफिजिसिस्ट माइकल स्वाफर के साथ एक इंटरव्यू के लिए जंप करता है जो दावा करता है कि गामा रेज का फटना आखिरी चीज होगी जिसे मानव जाति अपोकलिप्स से पहले देखेगी। वो कहते हैं कि एक हाई मास स्टार कोलैप्स होने वाला है जो दो नैरो गामा रेज बीम्स को रिलीज करेगा और पृथ्वी सीधे बीम एरिया के रास्ते में है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। दूसरी ओर जोसेफ या जो एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है और प्रेजेंट में रेड लॉक में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। वो समुद्र के किनारे अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए पुरानी रिकॉर्डिंग को रिप्ले करता है। उन्होंने अपनी बेटी जोई को 3 मैजिकल वर्ड्स 1, 4, 3 कहा जो आई लव यू के लिए है। पता चलता है कि कंट्रोलर जोसेफ जो कुछ भी करता है उसे देख रहा है और फिल्मा रहा है। तब सिस्टम से पता चलता है कि जो डिप्रेस और सुसाइडल टेंडेंसीज के लिए साइकियाट्रिक उपचार से गुजर रहा है। उसे गुस्से की भी समस्या है। जोई दुर्भाग्य से केवल अपने पिता के लिए चीजों को बदतर बनाती है। वो सोचती है कि जो उसकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार था और उसके लिए उससे नफरत करती है। हैरानी की बात यह है कि वो माइकल के साथ रिलेशनशिप बना रही है। दूसरी ओर जोई की छोटी बहन रिया एक ड्रग एडिक्ट है और लगातार एक पिंप निको द्वारा यूज की जा रही है। कंट्रोलर के आदमी जो कि बेटी की हरकतों को फॉलो और ट्रैक करते रहते हैं। लाइब्रेरी में रहते हुए माइकल किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने का मेंशन करता है जो मैनकाइंड के लिए अधिक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। एक रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जो कि पत्नी की मृत्यु से पहले उनका एक हार्मोनियस परिवार हुआ करता था। रिया भी एक बहुत खुश टीनेजर थी और जोई अभी भी अपने पिता से प्यार करती थी। फिर वो जोई के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी बेटी उससे दोबारा मिलना नहीं चाहती। यहाँ तक वो माइकल को घूंसा मार देता है जिससे जोई गुस्सा हो जाती है। उस रात गाड़ी चलाते समय जो रिया को फोन करने की कोशिश करता है, उसके साथ चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। वो फिर कार को रोकता है और अपनी पत्नी के साथ अपनी यादों को फ्लैशबैक करते हुए फिर से पीना शुरू कर देता है। उसने उसे अपने परिवार को एक साथ रखने का वादा किया था, लेकिन वो असफल रहा। कुछ मोमेंट्स बाद एक आदमी जो पीछे की सीट पर छिपा हुआ है उसका किडनैप कर लेता है और उसे कंट्रोलर के पास लाता है। वो जो की आंखों में एक चिप लगाता है जो उसे वो देखने की अनुमति देता है जो वो देख रहा है, उसे दिखाता है कि कंट्रोलर क्या देखना चाहता है और उससे बात करता है। जब जो जागता है, कंट्रोलर उसे एक पिस्तौल हथियाने के लिए मजबूर करता है और एक महिला को मारने के लिए कहता है। पहले वो ऐसा करने का अपोज करता है, लेकिन वो उसे धमकी देता है कि उसका आदमी उसकी बेटी को मार डालेगा। जो फिर रिलक्टेंटली उसके ऑर्डर का पालन करता है। पता चला कि बंदूक खाली है और महिला कंट्रोलर की एजेंट है जो उसके ओबीडियंस का टेस्ट कर रही है। इस पॉइंट पर एक मैसिव स्टार अभी अभी फटा है और रिप्रेजेंट में पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। जो जागता है और द कंट्रोलर द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है कि वो अपने बॉस के घर में घुस जाए। उनके बॉस चार्ल्स रेडलॉक के प्रेसिडेंट हैं। निगरानी के दौरान जो अंदर जाने का प्रबंधन करता है और चार्ल्स को उसे अपनी तिजोरी में लाने का आदेश देता है जहां एक लैपटॉप रखा है। फिर वो अपनी उंगली को फिंगरप्रिंट स्कैनर पर स्कैन करता है और इससे पता चलता है कि जो का डीएनए कंपैटिबल है। चार्ल्स को मौका मिलता है और जो को एक वार से मारता है, उसकी बंदूक छीन लेता है। वो ऑप्टिक इम्प्लांट को देखता है, यह जानते हुए कि इसके पीछे द कंट्रोलर का हाथ है। पता चलता है कि चार्ल्स द कंट्रोलर का बॉस था और उन्होंने यह कहते हुए प्लान से दूर होने का कारण बताया कि यह बहुत खतरनाक था। उसके बाद चार्ल्स की एक ड्रोन द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
जो को डेड बॉडी का अंगूठा काटने का आदेश दिया जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो अपने मिशन को जारी रखता है। इस बार कंट्रोलर ने उसे रेडलॉ के हेड ऑफिस में जाने का आदेश दिया। पहुंचने पर उसे एक मास्क पहनने के लिए कहा जाता है, जबकि एक ड्रोन गैस बॉम्ब्स को डिप्लॉय करता है जो तुरंत रेडलॉ के सभी एम्प्लॉयज को मारता है। कंट्रोलर बताता है कि दुनिया को बचाने की तुलना में उनके जीवन का कोई मतलब नहीं है। जो फिर मेन फैसिलिटी में आता है, जहां वो अपने बॉस के अंगूठे का यूज एक दरवाजा खोलने के लिए करता है जो उसे एक विशाल जनरेटर की ओर ले जाता है। अगर वो चाहता है कि उसकी बेटी जीवित रहे, तो जो को एक बड़ी डिवाइस में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जनरेटर काम करना शुरू कर देता है, एक बहुत तेज रोशनी पैदा करता है जो इवेंचुअली जो के शरीर के अंदर डीएनए सीक्वेंस को बदल देता है। कुछ ही समय बाद जनरेटर में ब्लास्ट हो जाता है और कंट्रोलर अपने हायर पावर को रिपोर्ट करता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा। जोई टीवी पर समाचार देखती है और अपने पिता के प्रति अपने एक्शंस को लेकर पछताती है। जो एल्युमिनियम फॉयल से ढका हुआ है, अपने घर में जागता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब वास्ट सुपर पावर्स हैं। हर बार जब वो क्रोधित होता है तो उसके शरीर से वायलेट कलर डिस्ट्रक्टिव बीम निकलती है जो कंट्रोलर को अमेज कर देता है। अपनी शक्ति से जो अब बिना चाबी के मोटरसाइकिल शुरू करने में केपेबल है। अपनी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए कंट्रोलर जो को निको के स्थान पर जाने का ऑर्डर देता है। वो एक वेश्यालय में आता है और निको को ढूंढता है जो उसे कैमरे की फ्लैशलाइट से डिस्ट्रैक्ट करता है और उसे नीचे गिरा देता है। यह महसूस करते हुए कि जो रिया का पिता है, निको फिर जानबूझकर रिया का एक वीडियो दिखाता है जिसे उसके द्वारा सेड्यूस किया जा रहा है। जो गुस्से में है और अचानक एक बहुत तेज रोशनी का एमिशन करता है जिससे पूरी जगह नष्ट हो जाती है। हालांकि कंट्रोलर सैटिस्फाइड नहीं है क्योंकि जो ने अभी भी रिक्वायर्ड स्ट्रेस लेवल डेवलप नहीं किया है। निको का दोस्त उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन सुपरह्यूमन गोलियों से सिक्योर्ड है। ब्रोकर अपनी कार से जो को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो एक गामा बीम डालता है जो निको को तुरंत मार देती है। कुछ मोमेंट्स बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जो को पूछताछ के लिए लाया जाता है। क्योंकि पुलिस को लगता है कि जो एक टेररिस्ट है, कंट्रोलर उसे जासूस को यह बताने का आदेश देता है कि उसने फोर रिवर्स शिपयार्ड में बम लगाए हैं, जिससे वे घबरा जाते हैं और वे तुरंत शिपयार्ड चले जाते हैं। कंट्रोलर तब जो को बताता है कि उसे पुलिस के सामने वहां पहुंचना होगा या वे एक्सप्लोड से मारे जाएंगे। फिर वो पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और चोरी की कार के साथ शिपयार्ड की ओर जाता है। हालांकि वो अन्य पुलिस अधिकारियों से डिस्ट्रैक्टेड है, इसलिए अपनी पावर से वो फिर एक लाइट एक्सप्लोजन में बदल जाता है और लाइट की गति से ट्रैवल करता है। दूसरी तरफ द कंट्रोलर के लोग जोई के घर आते हैं और उसको और उसके प्रेमी को किडनैप कर लेते हैं, जबकि पुलिस शिपयार्ड पहुंचती है और बमों की तलाश शुरू करती है। फॉर्चुनेटली जो समय पर आता है और विस्फोट होने से पहले उस कंटेनर को आकाश में ले जाने का प्रबंधन करता है जिसमें बम होते हैं। हालांकि मलबा एक एयरक्राफ्ट मशीन से टकराता है जिससे वो गिर जाता है। अपनी पावर्स का यूज करते हुए जो विमान को जमीन से टकराने से रोकता है और उसे सिक्योरली लोकेशन पर लाता है। जो जोई के घर जाता है केवल यह पता लगाने के लिए कि उसको किडनैप कर लिया गया है और कंट्रोलर उसे मारने की धमकी देता है। वो सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन को छूकर उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाता है और तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। आगमन पर वो अपनी बेटी की रक्षा के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड डालता है। कंट्रोलर के आदमी उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वे सिर्फ अपनी गोलियों को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि इसका सुपरह्यूमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो उन्हें आसानी से खत्म कर देता है। जोई शॉक्ड है कि उसका पिता अभी भी जिंदा है। जोई अंत में उसने जो किया उसके लिए उससे माफी मांगती है। हालांकि यह पता चला है कि जिस रहस्यमय व्यक्ति ने पहले कंट्रोलर से कॉन्टैक्ट किया था वो माइकल था। इस बीच गामा रे बीम पृथ्वी के और करीब आ रही है। यह महसूस करते हुए माइकल तुरंत एक पिस्तौल पकड़ लेता है और जोई को उसके पिता के सामने गोली मार देता है, जो गुस्से में है और उसे मार डालता है। हालांकि उसे पता चलता है कि वो अपनी बेटी को बचाने में इनकेपेबल है। वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगता है। चीजों को बदतर बनाने के लिए कंट्रोलर के लोग रिया को ढूंढते हैं और उसे मार देते हैं, जबकि कंट्रोलर इसे जो को लाइव ब्रॉडकास्ट करता है। उनकी बेटियों की मौत ने जो को अपने गुस्से के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया। वो लार्ज अमाउंट में वायलेट लाइट एमिट करना शुरू कर देता है जो पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है। लाइट आउटर स्पेस तक भी पहुंच जाती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर पैदा करता है जो पूरी तरह से पृथ्वी को कवर और सिक्योर करता है।
ट्रैप्ड, कंट्रोलर अपने लास्ट वर्ड्स को बताता है कि उसने सक्सेसफुली एक गॉड बनाया है। उसकी बकवास से तंग आकर जो उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उसे मार देता है। हालांकि माइकल और द कंट्रोलर की दुनिया को बचाने की प्लानिंग एक बड़ा सक्सेस है, क्योंकि जो कि सुपर पावर सभी आने वाली गामा रे बीम्स को अब्सॉर्ब करने का प्रबंधन करती है, जिससे यह पृथ्वी को नष्ट करने से रोकती है। दूसरी तरफ अपनी मृत पत्नी से जो का वादा आखिरकार पूरा हो गया, क्योंकि वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी पावर से रिवाइव करता है और अपनी लाइफ को फिर से ऑर्गेनाइज करता है। फिल्म के अंत में रिया और जो समुद्र के किनारे मिलते हैं और ऐसा लगता है कि जो पूरी तरह से हमेशा के लिए सुपर ह्यूमन रूप में बदल गया है। तो कैसी लगी आपको आज की रिकैप कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।